हमने शू ये भाई ओ भाई ओ काका ओ वडील हमने शू ये बीड़ी का लीना दोषी। आज मदर्स डे के ऊपर जो ये आज ये आपने कार्यक्रम किया है आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मदर्स डे पे, हालांकि ये MGM ट्रस्ट है वो मेरी माँ के नाम का ट्रस्ट है जिसमें हम 10 साल से ये काम करें, पर आज का जो भी पुण्य की कमाई है वो हम पूरी यूनिवर्स की मदर को डोनेट कर रहे हैं। ये ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी और ये आपको जो ये जो सेवा करने का मौका आपको कैसे मिला? ये ट्रस्ट की स्थापना 2008 में हुई। 2007 में माई मदर पास्ड अवे, तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि रो धो के नहीं बैठना है, कुछ उनकी याद में करना है। तो क्या करना है वो सोचते सोचते एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बाई थी जो काम वाली बाई, उनको आंखों के चश्मे होंगे पर उनको खुद को पता नहीं था। तो मैंने स्टोर रूम से उनको निकाल के बोला कि बेटा चाय पत्ती लेके आओ, तो चाय पत्ती के अंदर वो राई को भर के लेके आई। तो ये मैंने बोला कि ये क्या किया, तब जाके वो बोली कि माँ ये है ना मुझे चश्मे हैं और मेरे पास टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए तो जो हमें लगा कि ये ऐसा मामला है, अगर देखो बॉडी में खून निकल आता है या बुखार आता है तो हर कोई उसको देख के फील कर सकता है। ये ऐसी बीमारी है कि जो समझ में नहीं आती और पैसों के बजाय इमरजेंसी नहीं होने के कारण लोग उसको ठेलते जा रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, तो वो जाके बहुत बड़े पैमाने पे एक नुकसान कर देता है। हालांकि आँखों हैं तो पूरी दुनिया है कलरफुल, तो फिर हमने ये सोच लिया कि हम आँखों के ऊपर ही काम करेंगे। आँखों को फिर हमने ऐसे टारगेट किया कि हम लोग आँख चेकअप, जैसा आज आप देख रहे हैं कि हम आँखों का चेकअप करते हैं फ्री में, फिर फ्री चश्मे भी देते हैं, उसके बाद कैटरेक ऑपरेशन और यहाँ तक कि मरने के बाद चक्षुदान, यहाँ तक का पूरा आँखों को फोकस करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी आगे जो ये आप हर साल जो ये संस्था कार्यक्रम है और हर साल कितने लोग जो आपने हर साल आपके द्वारा कितने लोगों को चश्मे दिए जाते हैं और कितने लोगों के जो ये कान का है इनकी? देखो आँखों का है वो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, ये 10वां साल है और आज तक करीब 9,500 से ज़्यादा लोगों ने इन लोगों का फ़ायदा लिया है। ऑन एवरेज 1,000 से 1,200 लोग हर साल आँखों के चश्मे का फ़ायदा लेते हैं। ये जो विकलांग आप देख रहे हो, ये जो व्हीलचेयर है, ट्राइसिकल है, जयपुर फुट है, हियरिंग एड्स है, वो हमने पिछले 5 साल से शुरू किया है क्योंकि एवरीवेयर बजट नीड्स यू नो इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो बजटरी जैसे जैसे हम लोग कंफर्टेबल होते चले गए हम लोग ने ये एक्टिविटीज़ भी जोड़ दी हैं। तो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर हम लोग 4 से 5 ट्राइसिकल देते हैं, 4 से 5 व्हीलचेयर देते हैं, हियरिंग एड ऑलमोस्ट 10 से 12 जाते हैं, जयपुर फूड 4-5 जाते हैं और एक काक घोड़ी बोलते सपोर्टिंग स्टिक वो भी करीब 2 या 3 जाती हैं।